तशक्कुर डिजिटल में खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, अल्लामा तालिब जौहरी की शख्सियत किसी एक जहत तक महदूद नहीं है। उनकी हैसियत आलिम दीन, मुफस्सिर कुरान, माहिर तारीख, मुफक्किर, दानिश्वर, खतीब और शायर के तौर पर मुस्लिम है। बीमारी के बाइस वो कुछ अरसे से मजालिस तो नहीं पढ़ रहे थे, मगर तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई और अब तो दामने वक्त में गुंजाइश भी नहीं। और कभी ऐसे भी सुना करो जैसे उनके जुमले आज भी लोगों को याद हैं। यकीनन हम सब ने ही अपने बचपन और फिर जवानी में अल्लामा तालिब जौहरी को ज़रूर सुना होगा। वो 90 की दिहाई में एक तवील अरसे तक हर साल पाकिस्तान टेलीविज़न पर शाम गरीबा की मजलिस पढ़ा करते थे। ये कहना शायद गलत ना होगा कि वो उन चंद उलमा में से एक हैं जिन्हें सिर्फ अहले तशी ही नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान सुनता था। यही वजह है कि उनके इंतकाल की खबर के बाद अल्लामा तालिब जौहरी का नाम ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा था। अल्लामा साहब दकीक मौजूआत को नहायत आम फहम अंदाज में बयान करने में मलका रखते थे। उनके लेक्चर्स नहायत मुदल्लिल और जबान और बयान की तमाम तर लताफतें समेटे हुए थे। अहम मौजूआत को दिलचस्प पैराहे में कलाम करना उन्हीं का खासा था। इब्तिदा से ही अल्लामा साहब की फिक्री और इल्मी मजालिस ने सामुईन को अपना गर्विदा बना लिया। सामुईन जोक दर जोक उनकी मजालिस में शिरकत करते थे। आप तवील अरसे तक निश्तर पार्क में खिताबत के जौहर दिखाते रहे। उनकी मजालिस में हर मकतबे फिक्र के अफराद शिरकत करते थे। अल्लामा तालिब जौहरी 27 अगस्त 1939 को पटना भारत में पैदा हुए। अपने वालिद मौलाना मुस्तफ़ा जौहरी की ज़ेर निगरानी इब्तदाई तालीम हासिल की। 1949 में वालिद के साथ पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। 10 साल तक हौज़े इल्मिया नजफ़ अशरफ में तालीम हासिल की, जहां आयतुल्ला सैयद अल कासिम खोई के अलावा दीगर उलमाए कराम और मराज ए अज़ाम ने उन्हें ज़ेवर तालीम व तरबियत से आरास्ता किया। इसके बाद कराची आ गए और कई साल तक जामिया इमामिया के प्रिंसिपल रहे। फिर गवर्नमेंट कॉलेज नाज़माबाद में इस्लामियात के मुदर्रिस मुकर्रर हुए। वो बेहतरीन मुकर्रर होने के साथ एक अच्छे शायर भी थे। मुतअद्दिद सलाम कसीदे नज़में रुबाइयात कहीं और अहले ज़ौक़ से खूब दाद पाए। 1968 में वजूदे बारी ताला के उनवान से पहला मरसिया लिखा। पाकिस्तान के सरकारी टीवी पर मजलिस शाम गरीबा पढ़ते रहे। उनकी खिताबत का एक मखसूस अंदाज था। मजलिस आम फहम अंदाज में पढ़ते कि छोटे बच्चे भी बआसानी बात समझ लेते। अल्लामा तालिब जौहरी ने पाकिस्तान समेत कई ममालिक में अपनी खिताबत के जौहर दिखाए। वो अपनी मजालिस में कुरान पाक की आयात और मुस्तनद अहदीस मुबारक बयान करते। हमेशा इख्तलाफी बातों से गुरेज किया। यही वजह है कि उनकी मजालिस में हर मजहब व मिल्लत के अफराद शरीक होते और जब तक वो मिंबर पर होते मजमे पर सुकूत तारी रहता। 1975 से पाक मुहर्रम एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम कराची के निश्तर पार्क में मुनक्किद होने वाली मरकजी मजलिस से यकुमता 10 मुहर्रम खिताब फरमाते, जिसमें लाखों अज़ादार शरीक होते। यहाँ तक कि अतराफ़ की गलियाँ तक लोगों से भर जाया करती। अलावा अज़ीम महफिल शाह खुरासान, हुसैनिया ईरानिया, इमाम बारगाह शाह नजफ, मार्टन रोड और मस्जिद खैरुल अमल इंचोली सोसाइटी में भी मजालिस अज़ा से खिताब करते रहे। उनका ये जुमला तो ज़बान ज़द-ए-आम है कि आपने गिरिया किया और मजलिस तमाम हो गई, अब तो दामने वक्त में गुंजाइश भी नहीं। एक दफ़ा मजलिस पढ़ते हुए कहा कि मेरा ये पैगाम याद रखना कि कुरान तुम्हारे बाप से ज़्यादा शफीक और माँ से ज़्यादा ममता वाली किताब है। एक मजलिस में वजूद बारी ताला पर कहा कि लोग बहस करते हैं कि हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, तो अल्लाह कैसे देखता कैसे सुनता है। मैं अर्ज करूं कि जब तक ख्वाब देखते हो बगैर आंखों के देखते हो, बगैर कानों के सुनते हो, तो अल्लाह ने तुम्हारे वजूद ही में अपने वजूद की दलील रखी। अल्लामा तालिब जौहरी की नमाज जनाजा में अहले तशी के अलावा अहबाब अहले सुन्नत की भी एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक सेनेटर फैसल रजा आबदी का कहना था कि लोग सोना ज़मीन से निकालते हैं, हमने सोना ज़मीन में दफन कर दिया। अल्लामा तालिब जौहरी मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ हैं। अहसनुल हदीस के उनवान से तफसीर कुरान उनकी शनाख्त का सबसे बड़ा हवाला है। उन्होंने हदीसे करबला जैसा मक्तल तरतीब दिया जिसे मुस्तनद तरीन मक्तल का दर्जा हासिल है। मक्तल उस किताब को कहते हैं जिसमें वाकये करबला तफसील से बयान किया जाए। फलसफे जैसे दकीक मौजू पर अकलियात मुआसिर के नाम से भी उन्होंने एक किताब कलम बंद की। जिक्र मासूम, निज़ाम हयात इंसानी, खुलफाए असना अशर और अलामात ज़हूर मेहदी के उनवान से भी उन्होंने किताबें लिखकर अपने ज़ोर कलम और दीनी और इल्मी इस्तेदाद का लोहा मनवाया है। मईशत जैसे खुश्क मौजू पर भी उनकी गहरी नज़र थी।
इस्लामी मईशत के उनवान से उन्होंने एक किताब तहरीर की जो इस्लाम के मुआशी निज़ाम से जदीद दुनिया को रोशनास कराने में मावन है। खिताबत फ़लसफ़ा इल्म हदीस और इल्म तफसीर पर दस्तरस और आयमाए अधार की तालीमात और फ़लसफ़ा करबला की अशात और तशहीर तालिब जौहरी की शख्सियत के ग्रां कदर पहलू हैं जो उनकी फ़िक्री बसीरत से इबारत हैं। लेकिन अगर तालिब जौहरी की शेरी फ़िक्री असास और शायराना अज़मत का एतराफ़ ना किया जाए, उनकी हश्त पहलू शख्सियत का कमा हक्का अहाता नहीं किया जा सकता। शेरगोई की सलाहियत और दीनी और मजहबी फ़िक्र तदब्बर उनको अपने वालिद और चचा से विरसे में मिला। तालिब जौहरी ने आखिरी दम तक इन विरसों को संभाल कर रखा। तालिब जौहरी खतीब, फ़लसफ़ी, मुफस्सिर कुरान और मुफक्किर बनने से पहले शायर बन चुके थे। उन्होंने सनद इज्तिहाद बाद में हासिल की, अपनी शेरी तख्लीकी सलाहियतों का लोहा पहले मनवाया। सुखन संजी और सुखन गोई उनकी तबीयत में रची बसी थी, जिसके सबूत के तौर पर उनकी शायरी के तीन मजमूए हुर्फ़ नमू, पसे आफाक और शाख सदा की सूरत में मौजूद हैं। वो पहला मरसिया 1968 में ही नज़म कर चुके थे। तालिब जौहरी ने अपनी शायराना अजमत का दम कभी नहीं भरा। शौक़ की तस्कीन की खातिर उन्होंने शायरी की। एक शेर में कहते हैं, हैरान ना हो शेरों में अगर जान नहीं है, ये शौक़ है मेरा, मेरी पहचान नहीं है। आला खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारे इम्तियाज़ से नवाजा। हम वक्त कौम की बेहतरी के लिए कोशा रहे और मिल्लत के बड़े बड़े मामलात अपने असर व रसूख से खामोशी से तय करवा देते थे। उन्होंने कभी अपने ज़ाती या मसलकी मफाद की खातिर फसाद नहीं कराया, कभी किसी सियासतदान के दरवाजे पर नहीं गए। कौन सा सियासतदान है कि जिसने उनकी तकरीम नहीं की, लेकिन आपने तो कभी सियासी तौर पर मुतहरिक नज़र आए, ना ही कभी किसी तहरीक का हिस्सा बने। मजाल है कि आज तक किसी ने उन्हें किसी भी टीवी शो में किसी दूसरे मसलक के मौलवियों से लड़ते भिड़ते देखा हो। आप एक नहायत खुशगवार शख्सियत थे। अल्लामा तालिब जौहरी की रहलत आलम इस्लाम के लिए एक अजीम खसारा है जिसकी तलाफी नामुमकिन है। अगर आप ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो तशक्कुर डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपनी आरा से आगाह कीजिए।